गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज 11th चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट ट्रायंगल, जिसका डेफिनेशन, एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। एक फिगर जो कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से घिरा हो, या ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तीन लाइन सेगमेंट्स से, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन लाइन सेगमेंट कहलाती है। तो ए बी सी, ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हुआ, इस तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन किया गया तो तीन साइड बना, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, इसका पार्ट, अब इस ट्रायंगल का पार्ट, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल का पार्ट, इट हैज़ थ्री वर्टिसेस ए बी सी, इट हैज़ थ्री साइड्स ए बी, बी सी और ए सी, इट हैज़ थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। इंटीरियर रीजन, इस ट्रायंगल का इंटीरियर रीजन हो गया ये अंदर वाला पार्ट, जैसे यहाँ पे पी क्यू आर, ये इस ट्रायंगल के इंटीरियर रीजन में है। एस और ई, ये दोनों इसके बाहर है, मतलब इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर में एस और ई पॉइंट है। एक्सटीरियर रीजन, ई और एस आर इन एक्सटीरियर रीजन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बाउंड्री रीजन, मतलब इस ट्रायंगल के बाउंड्री पर जो पॉइंट होगा वो बाउंड्री रीजन। ट्रायंगुलर रीजन पी क्यू आर, इसके ट्रायंगल का अंदर का जो पार्ट है, ये पी क्यू आर साइड से घिरा हुआ ये पार्ट, इसे कहेंगे हम ट्रायंगुलर रीजन ऑफ ट्रायंगल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू इट्स साइड, पहला इसके साइड के आधार पर। फर्स्ट इसमें एस्केलेन ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग थ्री अनइक्वल साइड्स आर कॉल्ड एस्केलेन ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का तीनों साइड अनइक्वल, उसे कहेंगे हम एस्केलेन ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेलस ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल, उसे कहेंगे हम आइसोसेलस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल, उसे कहेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इस एंगल है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, साइड भी इक्वल तो एंगल भी इक्वल, इसलिए इस ट्रायंगल एबीसी को कहेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल टाइप, एंगल के अनुसार, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच ईच एंगल मेजर्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। जिस ट्रायंगल का ईच एंगल, प्रत्येक एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, उसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 60 60, ये तीनों 60 60 का, तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी आ सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का मेजरमेंट, एक एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा बट 180 डिग्री से कम हो, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, जैसे एक एंगल 120 डिग्री, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल मेजर्स इक्वल टू 90 डिग्री बट इट हैज टू एक्यूट एंगल्स। जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री के बराबर, उसे कहेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन यदि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जब एक एंगल 90 डिग्री के बराबर, तो उसका बचा हुआ दोनों एंगल कितने डिग्री के बराबर, 90 से छोटा। क्यों? क्योंकि जब एक ही 90 डिग्री हो गया, तो दो ये एंगल बी और ए मिला के 90 डिग्री, तो जब बी और ए का 90 डिग्री मिला के, तो एक एंगल कितना, 90 से छोटा। जब 90 से छोटा, तो वो क्या, कौन सा एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल। अब मेडियन ऑफ ए ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल का ही पार्ट है, ए मेडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू दैट वर्टेक्स। फिर से, ए मेडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट, एक मेडियन ऑफ ए ट्रायंगल वह लाइन सेगमेंट है जो कि ज्वाइनिंग किया जाता है एक वर्टेक्स से उसके मिड पॉइंट, उसके मिड पॉइंट पे, किसके मिड पॉइंट पे, उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे। ठीक, जैसे इस फिगर को देखा जाए, ये ए बी सी ट्रायंगल है, इस ए वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड, मतलब ए वर्टेक्स का अपोजिट कौन साइड, कौन सा है, बी सी। तो इस ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड बी सी पर के मिड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट ड्रा होगा ए से, वह कहलाएगा मीडियन। अब आपका ए बी सी ट्रायंगल में बी वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड, तो बी वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन सा हो गया, ये ए सी। तो बी वर्टेक्स से ए सी साइड के मिड पॉइंट पर लाइन सेगमेंट ड्रा होगा, तो ये बी भी क्या हो गया, मीडियन।
और इस सी वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट पर लाइन सेगमेंट ड्रा होगा, तो ये सी एफ क्या हो गया, ये भी हो गया मीडियन। तो एक दो तीन मीडियन, ए बी सी ट्रायंगल में कितना मीडियन, थ्री मीडियंस, ठीक। क्यों, क्योंकि थ्री वर्टेक्स है, जितना वर्टेक्स उतना मीडियन। अब एक चीज़, जब मीडियन ड्रॉ होगा तो इस साइड को जो अपोजिट साइड होगा उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब बी डी बराबर डी सी। बी जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ है, मतलब मीडियन ड्रॉ है बी, वो ए सी साइड को दो बराबर भाग में बटेगा, ए बराबर ई सी। और सी वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा ए बी पे, तो सी ड्रॉ होगा तो ए एफ बराबर एफ बी, इसलिए ए डी जे मीडियन। तो यहाँ पे तीन मीडियन हो गया, ए डी, बी ई और सी एफ। अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एन अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, अल्टीट्यूड का मतलब होता है, अल्टीट्यूड के को एक और नाम से हम जानते हैं क्या, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो डेफिनेशन कहता है कि एन अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर, वह परपेंडिकुलर जो कि ड्रॉ हो एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे। यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है, तो इस ए वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये साइड हो गया, ये लाइन, ये कहलाया परपेंडिकुलर, ये सॉरी अल्टीट्यूड। क्यों, क्योंकि ए वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पर यह परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। जैसे एक और फिगर देखा जाए, यहाँ ए बी सी, तो यहाँ पे ए वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा अपोजिट साइड पे। तो ए जब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा अपोजिट साइड पे, तो ये जो ए डी हो गया वह मेरा हो गया क्या, अल्टीट्यूड्स, ये हो गया अल्टीट्यूड। तो ये जो अल्टीट्यूड ए डी हो गया। अब उसी तरह बी से जब इस ए सी के मिड पॉइंट पर ये इसके इस बी वर्टेक्स से ए सी पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो वह क्या होगा, बी डी बी ई, ये भी एक अल्टीट्यूड हो गया। तो जिस तरह तीन मीडियन था, उसी तरह आपका तीन अल्टीट्यूड भी होगा। अल्टीट्यूड को एक और नाम से हम जानते हैं, जिसको कहते हैं हम हाइट। अल्टीट्यूड को ही इस ट्रायंगल का हाइट बोला जाएगा। तो ट्रायंगल की हाइट की ज़रूरत कब पड़ती है, ट्रायंगल का एरिया निकालने की। जैसे अगर बेस दे दिया गया और हाइट दे दिया गया, तो एरिया निकल जाएगा किस फॉर्मूला से, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपका हो गया अल्टीट्यूड। फर्स्ट चैप्टर तक ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भेज देंगे बना के।